अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। तो हम आ गए हैं पीर वारिशा, तो आप लोगों को ये दिखाते हैं। आज ये भी हम फर्स्ट टाइम आए हैं इधर, तो अभी अंदर जाके जैसे अंदर जाते हैं, इधर लो भाई जान, जैसे हम अंदर जाते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का क्या माहौल है, कैसे है। हाँ जी, ये सारी इधर यानी के साइडों पे डेरे जो बने हैं इधर, वो है अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी, तो ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ कि इधर बहुत लोग आते हैं, तो अभी अंदर जाके देखते हैं इधर की क्या है। आपको पता भाई जान इसकी हिस्ट्री का? मुझे तो पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ कितनी लोग आए हैं इधर, अंदर भी लोग जा रहे हैं। फिर आपकी इसकी हिस्ट्री नाल आप लोगों को दिखाते हैं। ये अंदर का एरिया, ये सब जो ये बना हुआ है मजार, इसका एरिया सब ये, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही लोग बहुत ज्यादा इधर लोग दुआ के लिए आए हैं, कोई कुरान पढ़ रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं। इधर जैसे देख रहे हैं आप, ये अंदर मजार है। आपने भी कोई मन्नत माननी भाई के बेबो मेरे साथ नाराज ना हो? सही हो गया।
इधर भी बहुत प्यारा एरिया दिया हुआ है। ये भी जब लोग आते हैं तो इधर घास वगैरह लगा हुआ है, लोग आते हैं तो साफ रहते हैं, ये जगह बनी है। पुलिस के भी साहब जो है ना इधर इंतजाम किए हुए हैं, सारी पुलिस भी खड़ी हुई है साइड इस साइड पे। वैसे हम इससे पहले वो सुन रहे थे वो लोग जो स्टोरी इधर की ही रांझा की, तो बाबा ये इधर हम आए इसकी सुना रहे थे। ये अभी हम बताने लगे हैं कि ये इधर की लाइब्रेरी है, तो आज मेरा ख्याल फ्राइडे है तो उन लोगों ने ताला लगाया है। ये लाइब्रेरी है, ऐसे जो हम उस जगह पे बैठे हैं उधर को ऑफिसर आए हैं, कोई ऑफिसर है तो उसके साथ फैमिली आई है और बॉडीगार्ड आए हैं काफ़ी गाड़ी भर के, तो इसलिए उधर हम ज़रा थोड़ा सा सुन रहे थे खामोशी से बैठ के। वो जो पढ़ रही थी कलाम पढ़ रही थी वो हम सुन रहे थे, तो उस वक्त हम बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो उधर काफ़ी लोग बैठे हैं, अगर वो सुन रहे थे। ऐसे है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये दरबार पे आए तो हम दुआ मांग रहे हैं, किसी भी कब्रस्तान में या किसी जगह पे जाए ना तो सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को जन्नत फरदौस में जगह दे। हम लोगों ने भी एक दिन उधर ही जाना है, तो इसलिए कोई भी आप लोग देखें कि कब्रस्तान है जहाँ कोई कब्रें ऐसे भी खड़ी तो आपको खड़े होकर दुआ मांगनी चाहिए। ये लोग इधर मेरे ख्याल चिराग पालते हैं, जो लोग मनते मानते हैं वो लोग इधर जो ना तेल डाल के फिर वो ये दीवे जलाते हैं। ये हर बंदे का अपना अपना अकीदा है, जो को अकीदे अपने चलाता है वो लोग अपना करता है ऐसे। तो हाँ जी, जैसे हमने बताया कि हम ये एक मिनट जैसे हमने बताया कि ये हम आए हैं पीर वारिश, तो इधर की जो फैसिलिटियाँ वो आप लोगों को पता ही होगा, इसकी हिस्ट्री आप लोग को लाइब्रेरियों में जैसे बुकें होती हैं आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब पढ़ेंगे ये थोड़ा सा हम इधर बाबा जी है इससे सारा सुनते हैं, ये इसके साथ सुनाते हैं उसकी जैसे नात खाना। चलो जी बाबा जी शुरू करो। Thank you.
माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। हाँ जी इधर बेबो भी आई हुई है। मैंने कहा इधर बहुत रौनक लगी है, लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, इधर बेबो भी आई हुई है, हम बेबो को भी लेते हैं साथ। ये वो है बेबो सर भी। हाँ जी ये आप लोगों को पता है ये मैं नाम नहीं लेती, आज मैं बहुत अच्छी जगह पे आई हूँ तो ये मैं नाम नहीं लूंगी। मैंने तस्वीर खींचनी आ ही नहीं कहीं पर भी सही। आज तो व्यूअर्स हम लोग यहाँ आए फिर बारिश था तो आपको दिखाया, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। भाई ढोल की भी आवाज़ आ रही है, पता नहीं वैसे मेरी तो आवाज़ ढोल को भी ऊँची। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। अगर बाजी भी अपना ब्लॉग बनाती रही, मैं भी अपना बनाती रही। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इसके बाद कहाँ जाएंगे क्या करेंगे वो फिर नेक्स्ट ब्लॉगों में दिखाएंगे। तो इसमें हम चाहेंगे आप सबसे ज़्यादा ऐसे हम घर से निकले हुए हैं तो देखते हैं हम अभी कोई एक न्यू और जगह है वो भी आप लोगों के वो इंडिया वालों के लिए हम दिखाएंगे वो भी जगह जी जी। वो भी बहुत नाइस जगह है तो इंशाल्लाह इसके साथ अभी हम एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जो चैनल पे न्यू हैं अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सबके लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए भी करते हैं लेकिन आप सबकी फरमाइश पे आए यहाँ पे और आप लोगों को दिखाया। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। कोई लोग नहीं आ